तेरे लिए 500 रुपया और हमारे मन्नन भाई की तरफ से 500, ऐसे 1000 रुपया तेरे को दिया। चलो ए साथ सबको लेके पीछे चल, ए इंजीनियर चलो पीछे, अभित भाई, अभित भाई सबको लेके बाहर चलो, मीर मीर खोत आज चलो, पप्पा निकले तुम्हारे, चलो चलो सात भाई लेके चलो, कल सुबह आ जाओ। हेलो हाँ चलो, विकेट खाली करो भाई, चलो मैच चालू होगी, चलो जल्दी चलो सोच सब, फैजान भाई चलो बाहर, जो भी है मीटिंग बाहर करो, चलो चलो जल्दी। चलो सब बाहर आ जाओ, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई चलो जगह खाली करो, तो जाऊ अपन माइक्रोफोन वरती, कबीर भाई अत्तारी, कबीर भाई चला जॉइंट हो माइक्रोफोन वरती, माइक्रोफोन वरती आमंत्रित करूया कबीर भाई अत्तारी, आपल्या सोबत जोडले जातील। मॅच या ठिकाणी सुरुवात होते, पलसदरी विपक्ष आपण पाहतो आहे, गावदेवी कोल्हारे, या दोन संघादरम्यान दोन्ही संघाचे 12 प्लेयर आपण व्यासपीठावरती यायचे, दोन्ही संघाचे 12 प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचे। धन्यवाद संदीप, धन्यवाद समीर सोमने। कोल्हारे टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। सुमित गोमारे की दूसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद, चार रनों के लिए। सिद्धेश दरेकर यांच्याकडून पारितोषिक येतो आहे पलसदरी संघासाठी, लगातार 3 षटकार 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल, आणि यानंतर आपण जरूर पारितोषिक लावण्या अगोदर पारितोषिक जमा केले जातील, आणि त्यानंतर पारितोषिक आपण पाहतो या ठिकाणी वाटली जातील। तिसरी गेंद सुमित गोमारे की, और इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बीट कर दिया बल्लेबाज को, वसंत बल्लेबाज है जिन्हें बीट किया अभी सुमित गोमारे ने, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी उनकी देखने को मिल रही है फिलहाल। 3 बॉल में 4 रन खर्च किए और इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, डॉट बॉल के साथ ये बॉल भी समाप्त। फिर से एक बार इस ओवर में सुमित अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। जावेद स्टेज पे आए, जावेद भाई सुने ना क्या बोला पापा ने, सुमित फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऐसा
और इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस किया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला आड़े बल्ले से, लेकिन एक ही रन लेने का समय है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन फिर यहां पर एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 6 पर जहां पहुंचा है 5 बॉल की समाप्ति के बाद। सफवान नजे की तरफ से दामत टीम मैच जीती है, इसलिए सबको चाय फ्री दी जा रही है। अभी अभी एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है, नजे मेडिकल में बहुत बड़ी चोरी हुई, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। सफवान बहुत टेंशन में थे उस दिन, पूरा दिन आए नहीं थे वो मेडिकल पे। इस बार हवा में खेला, कवर की दिशा में, खिलाड़ी उसके नीचे तैनात और आउट। संभाल के रखिए। और ये वाइट बॉल, अंपायर हरीश कराले का इशारा आता हुआ, फ्री हिट अभी भी जारी है। वाइट के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 6 से। एक बार फुल टॉस और फिर 2 अटेम्प्ट में गेंद को फील्ड किया, तब तक एक रन लेने का समय। इस एक के साथ टीम का टोटल पलसधरी का बढ़ता हुआ 13 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल था 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर की पहली गेंद 9 थी जो गई 4 रनों के लिए, उसके बाद एक वाइट फिर एक सिंगल, तो कुल मिलाकर अभी इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं और 2 बॉल इस ओवर की हो चुकी है। 1 बॉल हो चुका है इस ओवर का। दूसरा बॉल लेकर करण तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उनके सामने, थोड़ा फील्डिंग में चेंजिंग किया जाएगा। अब पटकी हुई गेंद, अच्छा खेला इसे डीप मिड विकेट में, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे खिलाड़ी, दौड़कर एक रन लेने का समय। इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 14 रन हो चुका है 1.2 बॉल की समाप्ति के बाद।
सफवान नजी की तरफ से चाय फ्री रखी गई है। शावर में फ्री रहता तो मजा आ जाती थी। और इस बार तेज तरार गेंद बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर को, लेकिन कोई रनों का खतरा नहीं यहां पर। डॉट बॉल, विकेट कीपर वसंत, बैट्समैन वसंत को बीट करती हुई गेंद, विकेट कीपर को भी बीट किया गेंद ने, लेकिन रनों का खतरा नहीं हुआ। तीन बॉल समाप्त हो चुके इस ओवर के। तीसरी बॉल लेकर गेंदबाज राइट अब राउंड द विकेट फिर से एक बार वसंत के लिए। और इस बार फिर से एक बार जबरदस्त डिलीवरी, लाइन लेंथ पकड़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब लाइन लेंथ को पकड़ लिया तो उसके बाद बल्लेबाज के नाक में दम करके रखा हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली दो गेंदें बिल्कुल खराब थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त कमबैक किया यहां पर करण ने। एक बार लेकर फिर से एक बार, पांचवी बार इस ओवर में। और इस बार फुल टॉस, लोअर फुल टॉस थी, गेंद डीप लॉन्ग ऑन पे जाएंगी जब तक फील्ड होगी दौड़कर। एक रन लेने का समय है, एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा है। और लास्ट बॉल इस ओवर का आना बाकी है। स्ट्राइक पर है नयन पलसदरी के लिए, वन डाउन के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जर्सी नंबर 10, फुल टॉस गेंद, इसे कट करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद को, स्लिप को बीट करना चाहते थे, लेकिन बीट किया उनकी बल्लेबाज की, गेंदबाज की पेस ने। दूसरा ओवर समाप्त हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है पलसदरी टीम का 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा यहां पर ठंडा क्लाइमेट, उसमें दर्शक मजा लूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने हाथों को गर्म करने का कुछ अलग ही मजा वहां पर अफान भाई ले रहे हैं, हाथों पे हाथ घस के गर्म कर रहे हैं। और सफवान भाई पूरी तरह से मुआयना करते हुए कितने लोगों ने चाय पी है अभी तक, पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा सेकंड राउंड का पहला मुकाबला, चांदई वर्सेस मार्केवाड़ी। दोनों ही टीम के कप्तान तैयार रहे। चांदई वर्सेस मार्केवाड़ी, दोनों ही टीम के कप्तान तैयार रहे, समाधान और नामदेव कुमार। अगले गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म या लेफ्ट आर्म, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार भी जोरदार हिट करने का प्रयास और बीट कर दिया फिर से एक बार। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कोलारे टीम की ओर से देखने को मिल रही है। सुमित गोमारे ने लाजवाब गेंदबाजी की, उसके बाद करण ने बेहतरीन गेंदबाजी, उसके बाद अब ये तीसरे गेंदबाज कुमार भी उन्हीं के पैरों पर पैर रखते हुए अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो, और अंपायर का डिसीजन यहां पर नॉट आउट। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली। बॉल अच्छी, उसके ऊपर डिफेंस भी बेहतरीन, फील्डिंग भी बेहतरीन, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है 2.1 बॉल की समाप्ति के बाद। दूसरा बॉल लेकर कुमार अब राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि सामने बल्लेबाज है नयन जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उनके लिए अपना कोन चेंज किया है गेंदबाज ने। देखना है किस तरह आप गेंदबाजी करेंगे नयन के लिए। नयन अभी तक कुछ बढ़िया दिखा नहीं पाए अभी तक कोई भी बल्लेबाज पलसदरी टीम का, बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिले हैं, उस तरह की गेंद अभी तक आई नहीं है उनके पास कि उस तरह के शॉट लगाएं। अब आपको बनानी पड़ेगी वो गेंद, क्योंकि गेंदबाज अच्छे लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप ये देखिए खूबसूरत शॉट,
सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला नयन के बल्ले से, खूबसूरत सीधे बल्ले से खेला हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के लाइन के बाहर 6 रन। 6 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। कुमार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर आएंगे, कुछ मिस्टेक हुआ उनके रन अप में, तब वापस बॉलिंग मार्क पर आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट नयन के लिए। फुल टॉस गेंद, खूबसूरत प्लेसमेंट, कवर की दिशा में गेंद को खेला, डीप कवर में खिलाड़ी तैनात है, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे दौड़कर आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट कर लिए। 2 के साथ टीम का टोटल 24, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर, जिसकी 4 बॉल समाप्त हो चुकी है और रन बटोरे 4 बॉल में 9। अच्छी गेंदबाजी होते होते फिलहाल 9 रन बटोर लिए इस ओवर में, अभी भी 2 बॉल इस ओवर की बची हुई। और यह बेहतरीन शॉट, थोड़ा सा शफल हुए, गेंद की लाइन को पिक किया और खूबसूरत फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर खेला 6 रन के लिए। ठोक दीजिए। बेहतरीन डीजे बजाया, लेकिन क्या खूबसूरत शॉट खेला नयन ने। जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छे शॉट देखने को मिल नहीं रहे हैं, तो नयन ने शुरू कर दिया अच्छे शॉट दिखाना। पहला सीधे बल्ले से बिल्कुल वीक शेप में गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, उसके बाद आड़ा बल्ला किया और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर खूबसूरत 6 लगाया। तो 6 के साथ टोटल जा पहुंचा है 30 पर जा पहुंचा, अभी भी लास्ट बॉल इस ओवर की। और एक बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ठोक दीजिए। तीन छक्कों की मदद से टीम का टोटल 36, पलसधरी ने कमबैक किया है इस ओवर में, 21 रन बटोरे हैं इस ओवर में। और क्या यह कमबैक ओवर होगा टीम पलसधरी के लिए, क्या बल्लेबाजी की है, क्या स्ट्रोक लगाए नयन ने, खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की है, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा नहीं खेला, जो लाइन पर गेंद उसको उसी एंड पर भेज दिया और सीधे बल्ले के साथ जब बल्लेबाज बैटिंग करता है तो वो खूबसूरत दिखाई देता है, उसी तरह की बल्लेबाजी। सही शॉट सेलेक्शन देखने को मिला यहां पर नयन के बल्ले से। जो
भी आ रहा उसको चाय फ्री। जीतने वालों को यहाँ पर कोई इनाम नहीं है। और एक बार पॉइंट कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया चार रनों के लिए। चार के साथ स्कोरबोर्ड भागता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर पलसदरी टीम का। 40 पर जा पहुंचा है टोटल। चौथे ओवर की पहली गेंद समाप्त हो चुकी है। दूसरी बॉल लेकर गेंदबाज गणेश कराले। जो भी हारेगा उसको सफवान नजी की तरफ से चाय फ्री रहेगी। जीतने वालों को सफवान भाई कुछ नहीं देते। पीछे बेटा इसके बाद सेकंड राउंड का पहला मुकाबला होगा। स्लोवर डिलीवरी, पिक किया गेंद को, लगान बाउंड्री के बाहर खेला छह रन के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है। धन्यवाद डीजे मास्टर। साउथ 11,000 रुपये आए क्या? इसके बाद तैयार रहे चांदई और मार्केवाड़ी के कप्तान। इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, लगातार यह तीसरी गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई नजर आई। लेकिन अब नयन स्ट्राइक पर आए जिन्होंने खूबसूरत तीन छक्के लगाए अपनी बल्लेबाजी में। अब वो स्ट्राइक पर है अंतिम बॉल का सामना करेंगे। इस बॉल पर सिंगल आएगी, डबल आएगी, चार आएगा, छह आएगा, क्या आएगा? डॉट बॉल। ये सब कुछ डिसाइड करता है महेश के ऊपर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे महेश। लास्ट बॉल लेकर टीम का टोटल 47 पर अभी भी रुका हुआ। लास्ट बॉल का इंतजार
सभी को इस बॉल पर क्या आएगा। डॉट 1 2 4 6 गेंदबाज फिर से एक बार आएंगे। अंपायर की सुस्ती उड़ा रहे हैं, काफी सुस्ती आ चुकी है अंपायर को। ठंड मौसम है, चाय भी इतनी मीठी है कि और नींद आ रही है। और ये जबरदस्त डिलीवरी बीट किया फिर से एक बार, और लास्ट बॉल पर भी रन आउट का विकेट। स्कोर रुका हुआ वहीं पर 47। बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा। पहली दो गेंद में 10 रन खर्च किए थे महेश ने, उसके बाद जो कमबैक किया, चारों बॉल बल्लेबाजों को बीट कराया उन्होंने। एक लेग बाइस के रूप में एक रन आया जरूर, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। कमबैक बहुत ही जबरदस्त। चार ओवर समाप्त हो चुके, पहली इनिंग समाप्त हो चुकी। पहली इनिंग समाप्ति के बाद पलसदरी टीम ने बनाए हैं 47 रन, और 48 रनों का यहां पर लक्ष्य कोलारे टीम के लिए रखा हुआ है प्रति ओवर। अब उन्हें चार ओवर में 12 के रन रेट से खेलना होगा, तब ये रन रेट को अचीव कर पाएंगे कोलारे टीम। अब किस तरह शुरुआत करेंगे, कौन सा बल्लेबाज ओपनिंग में आएगा, किस तरह से गेंदबाज बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि 48 एक बड़ा लक्ष्य है, फाइटिंग लक्ष्य यहां पर खड़ा कर दिया है पलसदरी टीम ने। हमने उनकी बल्लेबाजी में देखा बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन अब गेंदबाजी किस तरह की है वो अब दूसरे इनिंग में हमको देखने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए चलते हैं डीजे के पास। यूट्यूब धन्यवाद डीजे मास्टर। आमचे टेनिस क्रिकेट डॉट इन चे आमचे मेंबर केटीसी लाइव चे मेंबर आपण पाहतोय, सर्वांनी आपण पाहतोय केटीसी लाइव मेंबर। आपण जे एक्स्ट्रा मेंबर आहे चाय पिण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यायचे। केटीसी लाइव एक्स्ट्रा मेंबर आपण या आपण या ठिकाणी चांदई संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालाय। मार्केवाडी संघाचा कर्णधार आपण टॉस साठी लगेच या ठिकाणी यायचे। चला मार्केवाडी संघाचा कर्णधार टॉस साठी आपण या ठिकाणी यायचे। मार्केवाडी संघाचा कर्णधार टॉस साठी आपण या ठिकाणी यायचे। शोभा जडाल विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचे। या दरम्यान टॉस या ठिकाणी केला जाईल। आमचे या स्पर्धेचे संयोजक खुरमबाई यांच्या शुभहस्ते टॉस या ठिकाणी केला जाईल। या चांदई संघाचा कर्णधार सौरभ अफलातून फटकेबाजी पाहिली, त्याच्या माध्यमातून पहिल्या सामन्यामध्ये एकीकडे नामदेव मार्केचा अष्टपैलू खेळ आपण पाहायला गेला। टॉस या ठिकाणी केला जातोय। टॉस आपण पाहतोय या ठिकाणी। मार्केवाडी संघ क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय। फलंदाजी असेल 3 षटक चांदई संघाची आपण पाहतोय फलंदाजी असणार। उद्या ठीक सायंकाळी आपण पाहतो म्हणजे अर्थात सेकंड डे नाईट मॅच आपण पाहतोय 5 वाजता सुरू होतील। सायंकाळी 5 वाजता मॅचला सुरुवात होईल। आणि जे उद्याचे संघ आहेत एक ग्रुप मधील जे 4 संघ आहेत त्यांना विनंती असेल आपण रिपोर्टिंग टाइम 5 वाजता या ठिकाणी असेल तयार राहायचे आपण। तर 4 षटकामध्ये आपण पाहतोय कबीर सर अफलातून फटकेबाजी पाहिली गेली आपण या पलसदरी संघाची, आणि पलसदरी संघाने आपण पाहतोय धावसंख्या या ठिकाणी उभारले 47 धावांचं लक्ष प्रतिषटक आपण पाहतोय। 12 धावांचा लक्ष आणि सपवान नजे सर यांच्याकडून आपण पाहतोय चाय या ठिकाणी आहे।
आणि जरूर लाईव्ह वाल्यांना चाय द्या जरूर. शहबाज अडाल या ठिकाणी उपस्थित आहे, विनंती असेल शहबाज अडाल या पण व्यासपीठावरती. खुर्शीद भाई आपल्याला या ठिकाणी आमंत्रित करतात, या आपण. शहबाज अडाल साहेब स्टेज पे आ जाओ. खुर्शीद भाई आवाजच जात नाही त्यांना, तर जाऊया. कबीर भाई आपण पाहतो पुन्हा एकदा मायक्रोफोन मध्ये जोडले जातात. धन्यवाद संदीप, 48 का पीछा करने के लिए अब यहां पर मैदान में सुमित और समीर ये दो बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं. स्ट्राइक पर है सुमित, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज. गेंदबाज है अमोल, खूबसूरत शॉट सीधे बल्ले से खेला लेकिन गेंदबाज के पैर से गेंद टकराई और बेहतरीन बैकअप वहां पर देखने को मिला. लॉन्ग ऑफ से दौड़ कर गए थे खिलाड़ी, गेंद को फील्ड किया, दो रन अपनी टीम के लिए बचाए. काफी तेज तरार शॉट था. थर्ड अंपायर के लिए रिफर किया है हमारे अंपायर ने, यहां पर चेक किया जा रहा है रन आउट. नॉट आउट, दो रन कंप्लीट यहां पर पहली गेंद पर. दूसरा बॉल लेकर गेंदबाज तैयार अमोल, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सुमित के लिए. फुल टॉस गेंद और बीट हुए बल्लेबाज. ठंड का मौसम जरूर है, सुस्त हुए होंगे थोड़े से क्योंकि ये गेंद जल्दी बीट बल्लेबाज होता नहीं है कोई भी, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता है लेकिन फिलहाल यहाँ पर बीट होते हुए नजर आए सुमित गोमारे. अमोल फिर से एक बार तैयार बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म राउंड द विकेट सुमित के लिए. इस बार भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं देखने को मिला, बैकवर्ड पॉइंट में गेंद को फील्ड किया गया. जब तक फील्ड होगा एक रन लेने का समय, इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ तीन पर जा पहुंचा है तीन बॉल की समाप्ति के बाद. प्रति बॉल दो रन बनाने और यहां पर फिलहाल तीन रन पीछे चलती हुई कोलारी की टीम. अगली गेंद लेकर अमोल तैयार, अपना कोन चेंज किया, राइट हैंड बल्लेबाज सामने है, राइट आर्म ओवर द विकेट उनके लिए जाएंगे. चौथी बॉल लेकर फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, बड़ा प्रहार करने का कोई मंशा नजर नहीं आ रही यहां पर कोलारी टीम की अभी तक. गेंदबाजी सिंगल सिंगल से गेंद गेम को आगे चलाते हुए सुमित. चार बॉल चार रन हो चुके हैं. पांचवी बॉल लेकर अमोल, इस बार थोड़ा सफल हुए, गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर खेला, छह रनों के लिए ठोक दीजिए. लास्ट बॉल लेकर आएंगे, इंतजार किया सुमित ने, सिंगल सिंगल के साथ गेम को चलाया, खराब गेंद जैसे मिली उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर खेला छह रनों के लिए. छह के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 10 पर. लास्ट बॉल इस ओवर की आनी बची है. पहले बॉल पर डबल आया, उसके बाद डॉट, फिर सिंगल सिंगल और छह, पांच बॉल हो चुके हैं. फिर से एक बार तैयार अमोल,
खींच लिया, बीट किया, स्लिप के खिलाड़ी को गेंद निकल जाएगी, बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। चार के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 14 पर। रिक्वायर्ड रन रेट से 2 रन आगे चलती हुई फिलहाल एक ओवर की समाप्ति के बाद कोलारी टीम ठोक दीजिए। टोटल हो चुका है 14 रन अभी जीतने के लिए 48 का पीछा करते हुए 34 रनों की जरूरत है। गेंदबाज है श्रेयस और स्ट्राइक पर है समीर। श्रेयस समीर के लिए आएंगे। अंपायर हरेश को क्रॉस करते हुए राइट एम राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। कवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ काउ कॉर्नर और डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात। खूबसूरत शॉट हल्के बल्ले से खेला, जब तक गेंद को लॉन्ग ऑन से आकर खिलाड़ी फील्ड करेंगे दौड़कर एक रन लेने का समय था। कलेक्शन थोड़ा सा गेंदबाज का नहीं सही से हुआ जिसके कारण और एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया। इस एक का साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद पर फिर से एक बार डबल आया, दूसरी बॉल लेकर गेंदबाज तैयार श्रेयस। राइट एम राउंड द विकेट समीर के लिए। एकदम शांत खेल मैदान में चलता हुआ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। खराब गेंद आने पर उस पर प्रहार कर रहे हैं और अपने रिक्वायर्ड रन रेट से बिल्कुल हट नहीं रहे हैं। और यहां पर स्टंपिंग, गेंद कहां गई कुछ समझ में नहीं आया खिलाड़ी को। क्रीज छोड़कर आगे चले गए और विकेट कीपर ने बाकी का काम तमाम किया। डीजे मनोज अगले बल्लेबाज मैदान में जाते हुए महाराष्ट्र पुलिस। अब देखना है किस तरह अपनी पुलिस गिरी वो मैदान में दिखाते हैं। मनोज स्ट्राइक पर, सामना करेंगे श्रेयस का। तीसरी बॉल लेकर श्रेयस आएंगे। टीम का टोटल है 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत शॉट लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में और एक झटका लगता हुआ यहां पर कोलारे टीम को। अगले बल्लेबाज मैदान में जाएंगे। कुमार मुझे लगता है तैयार हो रहे हैं। तीन बॉल हो चुके हैं, तीन बॉल अभी भी इस ओवर में आने बची हुई है। सुबह में पानी पूरी भी मिलेगी यहां पर, जयराम पानी पूरी।
इस बार कुमार के बल्ले से उसी दिशा में, लेकिन सीधा खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ठोक दीजिए। राजेश भाई, ये क्रेटा किसकी खड़ी हुई है रास्ते में, उसको थोड़ा साइड में करने के लिए बोलिए। कोई बाइक वाइक टच होके चली जाएंगी तो फिर बाद में बोलेगा साइड में खड़ी करता तो अच्छा होता था। बॉल आ चुका है ना? नहीं आया है। ये तो आयला तो गे शाहिद भाई, आप गिरो बिरो में तो वहां पे आराम से काम करो। डॉक्टर नहीं हमारे पास, डॉक्टर में नहीं, हम जंगल में तैयारी नहीं है इधर, क्रिकेट की तैयारी है। बावीस हो चुका है टीम का टोटल 6 के साथ। अभी भी इस ओवर में 2 बॉल बचे हुए। हाँ ठीक है शाहिद भाई, धन्यवाद। और एक बार बल्लेबाज जरूर बीट हुए, लेकिन विकेट कीपर भी बीट और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 26। ठोक दीजिए। मास्टर आता कुठला गाणं वाजवलं ते काहीच कळलं नाही। और यहां पर सुमित गुमारे की पारी यहां पर समाप्त, रनआउट के रूप में आता हुआ ये विकेट महंगा पड़ सकता है कोलारी टीम को। 2 बॉल में 10 रन आ चुके थे, मुझे लगता है ये इस तरह का रन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये रन लेने के लिए जो उत्साह बढ़ा बल्लेबाज के अंदर वो लेग बिफोर की अपील के वजह से, जिस तरह से अपील की बल्लेबाज को लगा कि अब दौड़ लगाऊं तो शायद कुछ काम हो जाएगा, लेकिन काम सुमित गुमारे का हुआ, उन्हें मैदान से बाहर आना पड़ा। अब मैदान में उनकी जगह संभालने के लिए जा रहे हैं भावेश। भावेश कोलंबे मैदान में जाते हुए, इसके बाद होने वाला मुकाबला रोमांचक मुकाबला होगा चांदई वर्सेस तीसरा ओवर पारी का शुरू होता हुआ। गेंदबाज है सार्थक, राइट आर्म ओवर द विकेट कुमार के लिए जाएंगे। दो
बॉल खेलकर 6 रन बनाए कुमार ने अभी तक। पटकी हुई गेंद खूबसूरत अंदाज में खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद 6 रनों के लिए। छह के साथ टीम का जरूरत है 11 बॉल और 16 रन की जरूरत। कुमार बेहतरीन स्ट्रोक खेला इन्होंने, 3 बॉल में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से एक बार लेकिन खिलाड़ी तैनात, कैच ड्रॉप यहां पर, कैच ड्रॉप, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। और किसका कैच छोड़ा, कुमार का जो 2 छक्के लगा चुके हैं उसका कैच यहां पर ड्रॉप किया, महंगा साबित हो सकता है यहां पर पलसदरी टीम के लिए। इस सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 33। अब साइड में काफी बाहर ये गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल, इस व्हाइट के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 34 पे जा पहुंचा है। 14 रनों की जरूरत है, 10 बॉल और 14 रन, एक बड़ा हिट यहां पर, मैच क्लियर। और इस बार खूबसूरत ड्राइव, कवर को ढूंढ निकाला और बाउंड्री लाइन से बाहर खेल दिया 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर हर बॉल पर देखिए मैदान में नामदेव क्या चलता रहता है बल्लेबाज और गेंदबाज के दिमाग में पता नहीं। ये बॉल होने से पहले मैंने कहा था कि 10 बॉल में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत थी, चौका मारने के बाद बल्लेबाज इशारा कर रहा है रन कितने हुए हैं, क्या दिमाग में चलता है। मैं भी बल्लेबाजी करता हूं तो यही होता है मैदान में, समझ में नहीं आता है जब हम खेल रहे होते पूरा बॉल दिया जाए। शाहिद भाई आप ध्यान दो ना वहां पे, आप जितने जाएंगे उतने देना पड़ेंगे क्योंकि वॉलंटियर हमारे खड़े हुए नहीं है बाउंड्री लाइन पर। 9 बॉल में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है कुमार। खुर्रम भाई अब वो बॉक्स में सिर्फ 1 बॉल बचा है, आप वॉलंटियर लगाना पड़ेंगे आपको, या तो जो घूमे हुए बॉल है उनको ढूंढ कर लेके आ रहा हूं। मंगर के लिए और एक बेहतरीन शॉट और 6 रन, 6 के साथ टोटल जा पहुंचा है 44। 8 बॉल और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। फिर वो सर परेशान हो गए कुर्रम भाई। क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है पापे, ये क्या हो रहा है। अब नया बॉल दिया जाएगा अगली मैच से, अब जूना बॉल नहीं, अब जब भी बॉल घूमेगा आपको नया बॉल मिलेगा।
8 बॉल और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। और इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन ठोक दीजिए।